भारतीय संविधान की अनुसूचियां जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इसे याद करना, और ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल भी इस टॉपिक से आ जाते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि हमारे संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो किस अनुसूचियों में कौन सी जो प्रमुख तत्व तो उसमें उल्लेख है उनके बारे में हम एक बार विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे ताकि आपको इस तरह से नए नए जो वीडियो का नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंचता रहे और कहीं ना कहीं आपका तैयारी में आप अच्छे तरीके से और तैयारी को अच्छा कर पाओ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं। जो अनुसूची 1 है, अनुसूची 1 में सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम और उनके अधिकार क्षेत्र में, इसमें अनुसूची 1 में ये सभी चीज़ों का जिक्र है। वर्तमान में 28 राज्य हैं और संघ शासित 9 प्रदेश हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर को 2 संघ केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया और 2 जून 2014 को देश का 29वां राज्य तेलंगाना बना, जिसमें संविधान की प्रथम अनुसूची प्रभावित हुई। उसके बाद दिल्ली जो है अनुच्छेद 239A के तहत NCT राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है, लेकिन फिर भी दिल्ली को संघ शासित क्षेत्र ही बताया जाता है। अगर हम बात करें अनुसूचित 2 में तो यह भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ता और पेंशन का उसमें उल्लेख होता है, जिसमें जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता, ये जो विभिन्न बड़े बड़े पदों के जो पदाधिकारी होते हैं उन सभी का वेतन और भत्ते का पेंशन का उल्लेख अनुसूचित 2 में उल्लेख है। इसके अलावा हमें ये भी जान लेना है कि जो महान्यायवादी है और महाधिवक्ता है उनका जो वो जो पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन और भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और इन लोगों का जो वेतन और भत्ता होता है जिसे हम लोग वेतन को रिटेनर कहा जाता है, एवं महाराष्ट्र सॉरी राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो वेतन होता है उसे उपलब्धियां कहा जाता है। अनुसूची 3 का अगर हम बात करें तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण का उल्लेख है, जिसमें राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति का 69 और राज्यपाल का 159 में उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 4 का तो इसमें विभिन्न राज्यों के विधानसभा से लेकर राज्यसभाओं के सदस्यों का आवंटन का इसमें उल्लेखित है। अनुसूचित 5 का अगर हम बात करें तो इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का प्रशासन एवं नियंत्रण है। अगर हम बात करें अनुसूचित 6 का तो इसमें विशेष प्रशासनिक क्षेत्र का प्रशासन का प्रावधान है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में जिक्र किया है, क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो घाटी क्षेत्र में है वहाँ अभी भी जो है वो आर्मी के द्वारा शासन स्थापित किया गया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कुछ अलग मुद्दे हैं। अगर हम बात करें अनुसूचित 7 का, इसमें संविधान की जो सूचियां हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संविधान के 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें आपको पता ही होगा संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो जो संघ सूची होता है उसमें जो है उसमें सिर्फ कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का होता है, जिसमें अभी वर्तमान में 100 ऐसे विषय हैं जो केंद्र सरकार के और संघ सूची में आता है, जिनमें निम्नलिखित है: प्रतिरक्षा, सैन्य बल, परमाणु ऊर्जा, खनिज, CBI, विदेशी मामले, UNO, विदेशी संधि समझौता, युद्ध एवं शांति, नागरिकता, पासपोर्ट एवं वीजा, रेल, राष्ट्रीय राजमार्ग, जलमार्ग, जल यातायात, वायु परिवहन, डाक परिवहन, विदेशी ऋण, मुद्रा, RBI, उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान, राष्ट्रीय स्मारक, जनगणना, संघ लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय सेवाएं, निर्वाचन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीमा कर, अंतर्राज्य कर और समाचार पत्र। वहीं राज्य सूची जो है इनमें जितने भी कानून होते हैं उनको बनाने का अधिकार राज्य को होता है। वर्तमान में ऐसे 61 विषय हैं जो राज्य के राज्य सूची में आते हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख है: लोक प्रशासन, कारागार, स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य, शराब का उत्पादन, परिवहन और क्रय विक्रय, अयोग्य व्यक्तियों की सहायता, सड़क, कृषि, सिंचाई, भूमि, खनिज विकास, बाजार एवं मेला, सिनेमा, मनोरंजन, खेल, भू राजस्व, कृषि आय पर कर, विद्युत कर खपत, विलासिता कर, समाचार रेडियो और दूरदर्शन पर कर। और इसके अलावा एक संवर्ती सूची होता है, वो ऐसे विषय जो केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं जिसे संवर्ती सूची कहा जाता है। जो वर्तमान में ऐसे 52 ऐसे विषय हैं जो अभी संवर्ती सूची में आते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से ये हैं: दंड विधि एवं दंड प्रक्रिया, विवाह एवं उत्तराधिकार, न्याय प्रशासन, सिविल प्रक्रिया, वन, वन्यजीव संरक्षण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, जनगणना नियंत्रण, परिवार नियोजन, औद्योगिक एवं श्रम विवाद, सामाजिक सुरक्षा अंग बीमा, बाट एवं माप, शिक्षा, जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण, उसके अलावा मूल्य कीमत का नियंत्रण, कारखाने, संपत्ति अधिग्रहण। ये सभी जो प्रमुख अनुसूची
में आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें अनुसूचित 8 में, संविधान में मुख्य रूप से पहले 14 ऐसे भाषाओं को ही शामिल किया गया था, बाद में 8 और भाषाओं को ऐड किया गया है। अगर हम देखें 14 भाषा मुख्य रूप से कौन कौन सी थी, तो असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इसके बाद 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। बाद में 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। और फिर बाद में 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद अगर हम बात करें अनुसूचित 9 में, तो इसमें 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत भूमि सुधार के कानून को जोड़ा गया। अनुसूचित 10 में 1985 के 52वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल पर रोक का कानून बनाया गया। अनुसूचित 11 में 1992 के 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, जिसमें पंचायतों को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए। और अनुसूचित 12 में 1992 के 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो इस तरह से अनुसूची को शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इतना जाने कि कितने प्रकार के अनुसूची हमारे यहाँ है, और उसके अलावा जो अनुच्छेद है हमारे संविधान में, जो अनुच्छेद है वो लगभग 395 अनुच्छेद है और लगभग 22 ऐसे भाग हैं। संविधान को इस तरह से भागों में, अनुसूचियों में, अनुच्छेदों में बांटा गया है। तो अनुच्छेद के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है। आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद पॉलिटिकल प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स।